तो गाइस आ चुका है बड़े मियाँ छोटे मियाँ का टीजर। तो बॉलीवुड की वो जोड़ी बड़े मियाँ एंड छोटे मियाँ, जिनको साथ में देखने के लिए पब्लिक काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, वो फाइनली साथ में आ रहे हैं एक मूवी में जिसका नाम है बड़े मियाँ छोटे मियाँ। एंड मैं किस बड़े मियाँ एंड छोटे मियाँ की बात कर रही हूँ, ये काफ़ी लोग जानते हैं, बड़े मियाँ यानी अक्षय कुमार एंड छोटे मियाँ यानी टाइगर श्रॉफ। तो उन दोनों की साथ में मूवी आ रही है एंड ये दोनों कितने बड़े एक्शन हीरो है ये सब जानते हैं, उनकी मूवीज़ देखे आपने। हाँ, टाइगर श्रॉफ भी काफ़ी बड़े एक्शन हीरो है ये तो मानना पड़ेगा, चाहे उनकी कुछ मूवीज़ अच्छी ना गई हो लेकिन एक्शन बहुत बढ़िया एंड कमाल का करते हैं एंड दोनों के स्टंट काफ़ी कमाल के होते हैं। सो उनको साथ में देखने में मज़ा आएगा। सबसे पहले आया हुआ है टीजर, तो टीजर देख लेते हैं पहले, उसके बाद में डिस्कशन करेंगे या फिर अपने ओपिनियन आपके सामने रखेंगे। अब पहले हम टीजर तो देख ले, लेट्स स्टार्ट। പ്രളയം, സർവനാശം വിതയ്ക്കുന്ന മഹാപ്രളയം. What I mean to say is, പ്രളയം ആനെ വാലാ ഹൈ. ഏക് ഐസാ പ്രളയം ജോ ഭൂത് വർത്തമാൻ ഔർ ഭവിഷ്യ കോ ബദൽ ദേഗാ. ഏക് ഐസാ പ്രളയം ജോ അച്ഛായി ഔർ ബുരായി കി ജംഗ് കോ हमेशा के लिए खत्म कर देगा, हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। Who will stop me? दिल से सोल्जर, दिमाग से शैतान है हम, बच के रहना हमसे हिंदुस्तान है हम। सो ये मूवी आने वाली है 8 को। एंड टीजर के बारे में क्या ही बात करें यार, मतलब हमने जैसे कि कहा था कि बड़े मियाँ एंड छोटे मियाँ साथ में आने वाले हैं, तो डबल धमाका तो ज़रूर होने वाला था एंड डबल धमाका उन्होंने कर दिया है। टीज़र में जितना कुछ उन्होंने दिखाया ना, मतलब बहुत बारीकी से टीज़र काटा है, बहुत सोच समझ कर टीज़र काटा है, कुछ भी आलतू फालतू की चीज़ें ना दिखाकर जितना इम्पोर्टेंट है ना उतना ही उन्होंने दिखाया। अगर आप टीज़र देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा, और अगर आप देखोगे तो इसमें जो हीरोइन है उनकी भी कोई झलक नहीं दिखाई दी। मैंने सुना है इसमें है सोनाक्षी सिन्हा एंड मानुषी छिल्लर, तो उनकी ना कोई भी झलक नहीं दिखाई हमें, मतलब इससे यही होता है जो कुछ इंपॉर्टेंट था बस वही दिखाया। एंड एक्शन सीन्स की अगर बात करें हम, जो हमें टीजर में दिखाई दे, तो वहां पर अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ है, तो वहाँ पर आप कुछ बात कर ही नहीं सकते, मतलब एक्शन सीन्स बहुत ज़्यादा परफेक्ट एंड कमाल के होने वाले हैं, नो डाउट। एंड जिस तरह से टीज़र की शुरुआत हुई, विलन को पहले हमें इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब उनका चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन हम सबको पता है, हम वाकिफ है कि विलन है पृथ्वीराज, उनकी आवाज़ थी स्टार्टिंग में, तो उन्होंने कहा प्रलय आने वाला है एंड अच्छाई एंड बुराई की जो लड़ाई है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, मतलब उनका कहना है कि बुराई हमेशा के लिए जीत जाएगी। एंड वो कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, तो कुछ बड़ा बनाने वाले हैं वो शायद, एंड वो ना इंडिया के अगेंस्ट यूज किया जाएगा, जैसे कि वो कह रहे थे कि इंडिया फिनिश हो जाएगा, तो बस वो इंडिया के खिलाफ कोई हथियार बना रहे हैं एंड उनको रोकने के लिए आएंगे हमारे बड़े में एंड छोटे में यानी टाइगर एंड अक्षय। एंड उनका वो पहला वाला जो डायलॉग है ना, दिल से सोल्जर है एंड दिमाग से शैतान, ऐसा कुछ कहा उन्होंने, तो वो डायलॉग ना काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। एंड जिस तरह से टीज़र आगे बढ़ा, दोनों हर एक शॉट में दोनों साथ में आ रहे थे ना, वहाँ पर सिटी ज़रूर बजनी चाहिए थी। सो टीज़र के बारे में बस इतना ही कहना चाहूँगी, बीजीएम वगैरह सब एकदम परफेक्ट था, जिस तरह से टीज़र काटा वो भी एकदम परफेक्ट था, एंड मूवी के लिए ये ना हाइप क्रिएट कर जाएगा ये डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ, क्योंकि जिस तरह से टीज़र काटा है या फिर जितना कुछ दिखाया है ना, वो मूवी को ज़रूर हेल्प करेगा हाइप बनाने में। सो मैं काफ़ी एक्साइटेड हो चुकी हूँ ऑलरेडी ये टीज़र देखने के बाद, क्योंकि फिलहाल अब जो मासी फिल्म होती है, मासी एंटरटेनमेंट वाली, वो ना ज्यादा ऑडियंस को पसंद आती है, एंड उन फिल्मों में ना कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं अभी फिलहाल, क्योंकि ऑडियंस फिलहाल मास मसल वाली फिल्में देखना चाहते हैं,
तो डायरेक्टर भी सोचते हैं उन्हीं फिल्मों में कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जाए एंड अच्छे से दिखाए जाए। तो मुझे लगता है ये दोनों जब साथ में आएंगे, टाइगर एंड अक्षय, तो बहुत ज़्यादा बड़ा धमाका होगा बॉक्स ऑफिस पर, एंड बॉक्स ऑफिस के आई थिंक बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनेंगे इनके नाम पर, या फिर पिछले के जो रिकॉर्ड्स थे वो टूटेंगे या नहीं, उसके बारे में अभी हम फिलहाल नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, दोनों को साथ में देखने की जो ख्वाहिश थी फैंस की वो तो पूरी होगी, एंड उन दोनों के जो फैंस हैं वो काफ़ी खुश होंगे उन दोनों को साथ में देखकर। तो टीज़र काफ़ी कमाल का काटा है, एंड काफ़ी कमाल का टीज़र था भी। विजम वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह, जो कुछ लोकेशंस वगैरह, उसके हिसाब से अगर लिया जाए तो टीज़र काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए, एंड आपको ये टीज़र कैसा लगा इसके बारे में आपके क्या ओपिनियन है ये भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। एंड यहाँ पर कौन कौन अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ के फैंस है, या फिर कौन उनके साथ में मतलब उनकी जोड़ी के फैंस है, वो सब फैंस कमेंट में आ जाइए और बताइए कौन किसका फ़ैन है। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।